क्या हो अगर एक दिन आप न्यूज चैनल लगाएं और ये देखें, ब्रेकिंग न्यूज, ज्वालामुखी विस्फोट, 20 लाख लोग हताहत, सारे एयरपोर्ट्स को बंद किया गया। अगर पृथ्वी के सारे ज्वालामुखी एक साथ फटें तो क्या हमारी पृथ्वी राख, पिघले हुए लावा और झुलसा देने वाली गैसों से बच पाएगी? ये राख कितनी ऊपर तक जाएगी? क्या कोई इसकी रिपोर्ट करने के लिए बचेगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर पृथ्वी के सारे ज्वालामुखी एक साथ फटें तो। सारे ज्वालामुखी खतरनाक नहीं होते, मृत ज्वालामुखी, ऐसे जो पिछले 10,000 सालों में नहीं फटे हैं, उनमें दोबारा फटने के लिए जरा भी मैग्मा नहीं बचा होता है। हालांकि किसी भी समय में धरती पर 10 से 20 ज्वालामुखी फट रहे होते हैं। कुल मिलाकर धरती पर 1500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और कई अनगिनत पानी के नीचे हैं। क्या होगा अगर ये सारे एक साथ फटें? ये कयामत जैसा होगा। अगर पृथ्वी के सारे ज्वालामुखी एक समय पे एक साथ फटें तो कई सारे विस्फोट होंगे। ये विस्फोट चट्टानों की दीवारों, राख और गैसों को तोड़ते हुए अपने आसपास के इलाकों को मिटा देंगे। आप उन विशाल बादलों को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक की गर्म चट्टानें 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज चलेंगी। पर सारे ज्वालामुखी इतनी शक्ति से नहीं फटेंगे। भयंकर रूप से फटके मैग्मा निकालने की जगह कुछ ज्वालामुखी इसे लगातार जमीन पर बाहर निकालते रहेंगे। इस क्रिया को इफ्यूसिव इरप्शन कहा जाता है। अगर आपके पास ऐसा ज्वालामुखी फटता है तो अपने आप को भाग्यशाली समझें, पर ज्यादा समय तक नहीं। दूसरे विस्फोट राख के प्लूम्स को हवा में भेजेंगे। ये प्लूम्स हजारों किलोमीटर तक जाएंगे और पृथ्वी को धुएं की एक मोटी चादर से ढक देंगे। ये राख के बादल सूरज की रोशनी को रोक देंगे और सारी पृथ्वी को अंधकार में डुबो देंगे। सूरज की रोशनी के बिना फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है, और फोटोसिंथेसिस के बिना सारे पेड़ पौधे, उन फसलों समेत जिन्हें हम और जानवर खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ज्वालामुखी की राख असल में चट्टानों के छोटे टुकड़े होते हैं, ये बहुत भारी होंगे। अगर काफी राख आपके घर की छत पर गिर जाए तो आपका घर टूट भी सकता है। आप हवाई जहाज में भी इससे बच के नहीं जा सकते। राख के गर्म बादल कारों और हवाई जहाजों के इंजन को पिघला देंगे। सारी फ्लाइट्स कम विजिबिलिटी के कारण रद्द की जाएंगी। गहरे समुद्री ज्वालामुखी पानी को एसिडिक बनाते हैं। इस तरह के वातावरण में समुद्री जीवन को भारी नुकसान होगा। पूरी फूड चेन बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि पृथ्वी की सतह पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकेगी तो हमारा ग्रह उस स्तर तक ठंडा होना शुरू हो जाएगा जहां तक हम नए आइस एज में पहुंच जाएंगे। हालांकि लंबे समय में विश्व का तापमान फिर बदलेगा। इस बार तापमान और ज्यादा गर्म होगा। विस्फोटों से निकलने वाली सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण हमें एक भयानक ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा जो पूरे ग्रह को झुलसाना शुरू कर देगा। अगर आप किसी तरह इन ज्वालामुखी विस्फोटों से बच जाते हैं और राख में सांस लेने से नहीं मरते तो आपके लिए सबसे सुरक्षित स्थान महासागर के बीच में एक पानी के जहाज के ऊपर है, या फिर जमीन के नीचे एक बंकर में। बस सुनिश्चित करें कि आपको इस विनाश के बाद जिंदा रखने के लिए वहां खाने का पर्याप्त सामान और गर्म कपड़े हों। बाहर आने से पहले आपको वायुमंडल के साफ होने का इंतजार करना होगा, जिसमें काफी टाइम लग सकता है, और आप उस पृथ्वी को फिर नहीं देख पाएंगे जिसे आप जानते थे। लंबे समय तक धरती के मेंटल से ज्वालामुखी विस्फोट होने से सतह पर पिघली हुई परत इकट्ठी हो जाएगी, जो कि एक बड़ा असंतुलन बना देगी। नतीजन हमारी धरती पलट भी सकती है, जैसे आज से 3.5 बिलियन वर्ष पहले मार्स पलटा था। इससे पेरिस नॉर्थ पोल पर पहुंच सकता है। निश्चित ही हमेशा की तरह ऐसा होना असंभव है। कम से कम पृथ्वी के 4 बिलियन सालों के इतिहास में अभी तक सारे ज्वालामुखी एक साथ फटने का कोई सबूत नहीं है। पर क्या हर चीज के लिए तैयार रहना बेहतर नहीं? हमें बताएं आप क्या सोचते हैं, और अगली बार फिर जुड़ें क्या हो अगर पे।